तो इस वीडियो में हम एंड्रयू गारफील्ड की एक लेटेस्ट मूवी टिक टिक बूम का रिव्यू करने जा रहे हैं। इस मूवी की बात करें जिसको नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया, और वैसे एंड्रयू गारफील्ड की बात करें वैसे ही आजकल बड़े चर्चा में है क्योंकि वो स्पाइडरमैन नो वे होम में आने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम एंड्रयू गारफील्ड की लेटेस्ट मूवी टिक टिक बूम का रिव्यू करने जा रहे हैं। इस मूवी के बारे में बात करेंगे, क्या इस मूवी की बहुत ज्यादा अच्छी खासी हाइप बनी थी। अगर आपको भी नहीं पता इस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं क्या ये वाली मूवी वर्थ वॉचिंग है, तो हमेशा के लिए वीडियो का जरूर देखिएगा। तो बताओ अपने वीडियो को लाइक नहीं करेगी जरूर कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना टाइम इसके लेट्स गेट स्टार्टेड। तो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले जस्टिन के साथ, अगर आप लोगों को नहीं पता ये वाली मूवी जोनाथन रार्सन जो कि मैं बात करूँ एक अमेरिकन का सिंगर म्यूजिक कंपोजर थे, तो अगर आप लोगों को भी नहीं पता ये वाली मूवी उन पर बेस है, मतलब इस मूवी ये वाली मूवी उन पर बनाई गई है। इस वक्त जो कुछ भी उनके साथ लाइफ के साथ हो उसको इस वाली मूवी में हमें बताया गया है। तो हाँ, ये वाली मूवी आप लोग कह सकते हैं बिल्कुल ट्रू स्टोरी। हम इस मूवी में जो कुछ भी हमें बताया गया है इस मूवी में बिल्कुल हमें जो कुछ भी बताया गया वो असल में जोनाथन रार्सन के साथ हुआ था। और इस मूवी की बात करूँ जैसा कि हम बोले ये जोनाथन रार्सन पर बेस है, जो कि जोनाथन रार्सन के अपनी लाइफ में जो कुछ भी हुआ था, मतलब यानी कि कैसे वो एक मैं बात करूँ म्यूजिकल कंपोजर बने थे उन पे बेस है। और इस वाली बात करूँ इस मूवी में एंड्रयू गारफील्ड उन कलेक्टर को प्ले किया है। और सबसे पहले इस मूवी की एक मुझे अच्छी बात यह लगी जो कि हमें मूवी के स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है, इस मूवी में हमें जो कुछ भी दिखाया गया बिल्कुल 110% ट्रूथ है। मतलब कुछ ऐसी मूवी होती है जो किसी पर बेस होती है उनमें कुछ एक्स्ट्रा, मतलब मैं बात करूँ एंगर्स ऐड कर दिए जाके जो कि असली में लाइफ के साथ कनेक्टेड नहीं होती, मगर इस मूवी में हमें जैसे कि स्टार्टिंग में बताया गया जो कुछ भी बताया गया वो असल में मैं बात करूँ 100% ट्रूथ है। और जैसा कि मैंने बोला इस मूवी में हमें उनकी पूरी जिंदगी, 2 घंटे की मूवी हमें उनकी पूरी लाइफ के बारे में बता दिया गया है। और पर्सनली ऐसी मूवीज के बारे में ना जिसमें हमें किसी मैं बात करूँ किसी मशहूर फेमस पर्सनैलिटी के बारे में बताया जाता है, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ उस वाली मूवीज़ को देखने में। मतलब एक अलग ही एक्साइटमेंट रहती है उस मूवीज़ को। मैं जैसे कि बोला हम उसमें मैं बात करूँ कोई एक्शन वगैरह तो देखने को मिलना नहीं है, मैं बात करूँ एक अलग ही मैं जॉनला की ऐसी मूवीज़ होती है। तो हाँ, मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ ऐसी मूवीज़ को देखने, मतलब किसी के पर्सनैलिटी के बारे में पता लग रहा है चाहे वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करती हो। और आई विल बी ऑनेस्ट, इस मूवी से पहले मुझे जोनाथन रार्सन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। मतलब मैंने वैसे मैं ये नहीं बोलूँगा मैंने नाम भी सुना था, मैंने नाम भी नहीं सुना था इस मूवी के, मगर ये वाली मूवी जब मैंने देखना स्टार्ट किया उससे पहले मैंने उनके बारे में रिसर्च किया, फिर मुझे पता लगा हाँ मतलब कितने मैं बात करूँ फेमस वो कंपोजर थे, म्यूजिक कंपोजर थे, उनकी डेथ कैसी हुई, तो हाँ तब मुझे उनके बारे में पता लगा। इस 2 घंटे की ये मूवी का मैं बात करूँ जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है टिक टिक बूम, ये 2 घंटे की मूवी, इस 2 घंटे की मूवी में ना हमें मतलब ब्रीफ मैं बात करूँ हम इस 2 घंटे की मूवी में ब्रीफली उसकी उनकी मैं बात करूँ जितनी भी स्ट्रगल थी ना कि वो कैसे मैं अगर बात करूँ एक वेटर से लेकर कैसे म्यूजिकल कंपोजर तक बने, और 2 घंटे की मूवी में हमें सब कुछ बता दिया गया, सब कुछ क्लियर करके हमें इन लोगों ने एक्सप्लेन किया है। और इस मूवी की बात करूं जैसा कि मैंने बोला एंड्रयू गारफील्ड ने जोनाथन रार्सन का कैरेक्टर प्ले किया, और यार क्या मतलब एंड्रयू गारफील्ड ने ना कमाल की एक्टिंग किया। मतलब मैं स्टार्टिंग से ही एक्टिंग से ही स्टार्ट करूंगा क्योंकि इस मूवी का हमारा मेन फोकस मैं बात करूं मेन कैरेक्टर जोनाथन रार्सन ही है जिसको एंड्रयू गारफील्ड ने प्ले किया। मतलब यार क्या कमाल की एक्टिंग किया ना, मतलब भाई साहब मतलब एक एक सीन बोले, एक एक डायलॉग बोले, एक एक सीन में अगर मैं बात करूं कमाल की उन लोगों ने अपना 100% से भी ऊपर दिया है एंड्रयू गारफील्ड ने एक एक सीन में, चाहे अगर मैं बोलूं वो म्यूजिक हो, चाहे मैं अगर मैं बात करूं वो सिंगिंग कर रहे हो, चाहे वो इमोशनल हो इमोशनल कोई डायलॉग पेश कर रहे हो या कोई भी सीन कर रहे हो, एंड्रयू गारफील्ड ने मतलब कमाल की आउटस्टैंडिंग कम हो जाए मतलब मैं अगर मैं बात करूं सुपर एक्टिंग की है इस वाली मूवी में। मतलब जितना हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं उससे भी बढ़कर इस मूवी में उन्होंने की एक्टिंग की है। अब एंड्रयू गारफील्ड अगर मैं बात करूं एंड्रयू गारफील्ड ने इस मूवी में मतलब कमाल की एक्टिंग की है। मतलब जैसा मैंने बोला इस पूरी मूवी में एंड्रयू गारफील्ड दिल है, मतलब मैं बात करूं दिल जीतने में बात नहीं होगी एक्टिंग से वो वाली की है, चाहे जैसा कि बोला मैं कोई भी सिंगिंग ले रही है, ये जान के आप लोग भी हैरान हुए होंगे इस मूवी ये वाली मूवी अगर आप लोगों ने देखी आपको भी पता होगा हमें इस मूवी में ना सिंगिंग मैं बात करूँ मैं म्यूजिक भी देखने को मिलता है, और एंड्रयू गारफील्ड ने असल में इस मूवी में सिंग किया है, मतलब असल में इस मूवी में सिंगिंग की है। तो यार मतलब एंड्रयू गारफील्ड ने ना कमाल की एक्टिंग की है, चाहे मैं बोलूँ वो कोई रोने वाला डायलॉग हो या चाहे वो मतलब जिस तरह से वो मतलब डांस कर रहे हैं किस तरह से वो सिंगिंग कर रहे हैं, मतलब यार कमाल की इसमें एक्टिंग की है, कमाल की इसमें डायलॉग परफॉर्म किया एंड्रयू गारफील्ड ने। और एंड्रयू गारफील्ड के अलावा भी मुख्तलिफ मैं बात करूँ जो कि उसका दोस्त होता है उसने माइकल उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की। मतलब यार एंड्रयू गारफील्ड की मैं बात करूँ ना मतलब छा गए इस पूरी वाली मूवी में वो। ये मूवी देखने से पहले मैंने इतना तो एक्सपेक्ट किया था यार एंड्रयू गारफील्ड हमें मतलब अच्छी एक्टिंग करते हुए दिखाई देंगे, मतलब अच्छे रोल में देंगे, मतलब उनके कैरेक्टर उन्होंने जोनाथन रार्सन का कैरेक्टर इतना अच्छे से प्ले किया ना। और जैसे कि मैं बात करूँ एंड्रयू गारफील्ड और जोनाथन रार्सन अगर आप देखेंगे आप लोगों के सामने स्क्रीन पर भी आ रहा होगा इन दोनों की अगर मैं बात करूँ इन शक्लें भी थोड़ी बहुत मिलती है, तो हाँ ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर थे, अच्छे एक्टर थे इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। और इस
मूवी की अगर मैं बात करूँ, जैसा कि बोले एंड्रू गारफील्ड की जितनी भी तारीफ करने ना कम है, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्टिंग की है। इस मूवी के बारे में बात करूँ, इस मूवी में हमें जोनाथन रासन की स्ट्रगल्स दिखाई गई, मतलब एंड्रू गारफील्ड की जिन्होंने जोनाथन रासन को प्ले किया उनकी हमें स्ट्रगल्स दिखाई गई कि कैसे वो एक वेटर से लेके कैसे वो एक होटल वेटर से लेके कैसे एक म्यूजिकल कंपोजर बनते हैं, उनकी स्ट्रगल्स हमें दिखाई गई कि कैसे, मतलब मैं बात करूँ उनको एक एक चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। अगर मैं बात करूँ उनको अपने दोस्त सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, मतलब मैं बात करूँ उनके अपने रिलेटिवली क्लोज फ्रेंड्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हमें इसमें बहुत सारी स्ट्रगल्स देखने को मिली है, उनको कितनी स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है एक मैं बात करूँ म्यूजिकल कंपोजर से बनने के लिए। एक स्ट्रगल में आपने हमें मूवी में दिखाई गई जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि उनको एक अपने दोस्त की मदद से मतलब एक एक्स्ट्रा जॉब भी लेनी पड़ती है ताकि वो पैसे अर्न कर सकें, और मैं बात करूँ एक्स्ट्रा म्यूजिशियन ऐड कर सकें अपनी बैंड में। तो आप ये देख सकते हैं कि असल में भी ये हुआ था, मतलब एक एक्स्ट्रा जॉब करनी पड़ी एक एक्स्ट्रा म्यूजिशियन के लिए ताकि वो उसे अपने बैंड में ऐड कर लें। तो हाँ यार, काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें इनके स्ट्रगल्स को दिखाया गया है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और अच्छी हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल्स यहाँ पर दिखाई गई हैं। जैसे कल मैं बात करूँ उनका एक शो होने वाला है, मतलब उनका एक शो होने वाला है जहाँ पर अगर जहाँ पर डिफरेंट प्रोड्यूसर बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स आने वाले हैं, और एक उस शो से पहले एक दिन पहले उनके घर की लाइट चली जाए, लाइट वालों कट कर देते हैं और जिसकी वजह से वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते। यहाँ पर मैं मेजर स्पॉइलर नहीं दूंगा उसके बाद वो कैसे प्रैक्टिस करते हैं, मतलब हमें जो जितनी स्ट्रगल्स दिखाई गई ना, एक वक्त पर अगर मैं बात करूँ उनकी गर्लफ्रेंड भी मतलब चली जाती है, दूसरी बार अगर मैं बात करूँ उनका क्लोज फ्रेंड उनका रूममेट भी उनको छोड़कर चला जाता है। तो आप यहीं से देख सकते हैं मतलब कितनी स्ट्रगल से उनको गुजरना पड़ता है एक म्यूजिकल कंपोजर बनने के लिए। और जब मैं अगर मैं बात करूँ फाइनली वो वाला शो कर लेते हैं उसके बाद भी उनको कोई भी नहीं पूछता, मतलब उनको कोई भी नहीं पूछता यार इनकी ये वाला परफॉर्मेंस कैसे थी, उनको बार बार रिपीट करना पड़ता है। मैं बात करूँ यहाँ पर मैं जिस तरह से डिफरेंट स्ट्रगल्स दिखाई गई ने मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, मतलब जिस एंगल में इन लोगों ने शो किया है। और इस मूवी के बारे में बात करूँ, इस मूवी में हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम के बाद सॉन्ग भी देखने को मिलेंगे, और ये इसकी एक अच्छी बात मुझे लगी कि ये आप लोगों को बोर नहीं होने देती। जैसा कि पहले इसमें हमें कोई एक्शन वगैरह तो ऐसे एडवेंचर देखने को मिला नहीं, हाँ एडवेंचर कह सकते हैं। इसमें ना इन लोगों ने सॉन्ग भी ऐड किया जिसको एंड्रू गारफील्ड ने खुद सिंगिंग की है उस वाले सॉन्ग की, मतलब खुद उसको सिंग किया है, मतलब खुद सिंगिंग की है। तो आप यहीं से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एंड्रू गारफील्ड ने अपना कितना 110% से भी 100% से भी ज़्यादा दिया होगा इस वाली मूवी के लिए। हमें डिफरेंट सॉन्ग भी देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल हो जाते हैं, मतलब आप लोग उस सॉन्ग के साथ कनेक्ट हो जाते हो, मतलब आप लोगों को स्टोरी अलग तरफ आप लोग उस सॉन्ग्स को ही सुनने बैठ जाते। तो हाँ, इन लोगों ने डिफरेंट मल्टीपल सॉन्ग्स भी ऐड किए काफ़ी कुछ देर के बाद जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। स्क्रीन पे की बात करूँ बहुत ही ज़्यादा उमदा और अच्छा स्क्रीन पे था, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्क्रीन पे था। जैसे कि मैंने इन लोगों ने स्टार्टिंग से एंड तक जिस तरह से इसके स्ट्रगल को हमारे सामने रखा है, और आप लोग मैं आप लोगों को एक बात की गारंटी दे सकता हूँ, आप लोग मूवी के 5 मिनट देखें, स्टार्टिंग के 5 मिनट देखेंगे ना उसके बाद से आप लोगों का इंटरेस्ट डिवेल्प हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें एक ऐसा सॉन्ग देखने को मिल जाता है आप लोगों को, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी हमारी लगना शुरू हो जाती है। एक दफ़ा फिर से यार मतलब एंड्रू गारफील्ड ना मतलब छा गए इस वाली पूरी मूवी में, इस वाली पूरी मूवी की जान की अगर मैं बात करूँ वो एंड्रू गारफील्ड है, मतलब कितनी कमाल की टॉप क्लास एक्टिंग किया ना इस वाली मूवी में। जैसे मतलब चाहे वो कोई सिंगिंग सीन हो, चाहे मैं बात करूँ कोई ऐसे इमोशनल सीन हो, कमाल की मतलब कमाल की एक्टिंग की एंड्रू गारफील्ड ने। आप लोग भी ये वाली मूवी अगर आप लोगों ने भी देखी है तो आप लोग भी मेरी बात से 100% एग्री करेंगे। ओवरऑल मूवी की बात करूँ, जैसा मैं बोला हमें मतलब पूरा 2 घंटे की मूवी के अंदर यहाँ पर इन लोगों ने जोनाथन रासन का करेक्टर हमारे सामने रख दिया, क्या मतलब कैसे उनको स्ट्रगल से किस तरह से गुजरना पड़ा था, मतलब इनकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब एक वेटर से मतलब सब लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे यार। हम देखते हैं स्टार्टिंग में दिखाया जाता है सब लोग कहते हैं यार ये कैसे, मतलब मैं बात करूँ एक बहुत बड़ा म्यूजिकल कंपोजर बनेगा, मतलब वो सबको रॉन्ग प्रूफ करते हैं। और यार एक तरह से नहीं, ये वाली मूवी हमारे लिए लाइव लेसन भी हो सकती है कि अपना गोल अचीव करने के लिए मतलब जो लोग नेगेटिव बातें कहते रहते हैं उनको कहने दीजिए, मतलब आप अपना गोल अचीव कीजिए, एक तरह से लाइफ लेसन भी हो सकती है, और हाँ बहुत ही अच्छा लाइफ लेसन है। ओवरऑल मूवी के बारे में बात करूँ तो फैंटास्टिक मूवी थी, मतलब मैंने तो इसको पर्सनली काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। आई एम श्योर आप जो भी हमारी मूवी देखेगा वो लोग इसको जरूर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेगा और अपने साथ रिलेट भी कर पाएगा, ओब्वियसली अपने साथ वो रिलेट भी इस वाली मूवी को कर पाएगा। ओवरऑल मूवी के मैं जैसे बोला बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूवी है। अब रिकमेंडेशन की बात करनी हो तो देखिए इसमें तो कोई भी शक नहीं है, मैं आप लोगों को रिकमेंड ना करूँ, मतलब मैं 110% ये वाली मूवी आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। मतलब मैं चाहूँगा अभी आप लोग ये वाली मूवी देखें, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, मतलब कमाल की ये वाली मूवी है, मतलब मैं 110% रिकमेंड करूँगा आप लोग ये वाली मूवी देखें। इसमें हमें डायरेक्शन कमाल की देखने को मिली, एक्टिंग एंड्रू गारफील्ड की हमें पता ही है कैसी है, स्क्रीन पे की मैंने बात की जिस जिस हिसाब से इन लोगों ने मतलब मैं बात करूँ स्टार्टिंग से हमें स्ट्रगल्स दिखाई गई हैं कि कैसे वो एक अमेरिकन में बात करूँ बहुत बड़ा सिंगर कंपोजर बनता है, मतलब कमाल का हम इसमें सब कुछ दिखाया गया है। और ये वाली मूवी मैं आपको रिकमेंड करूँ ना कि सिर्फ एंड्रू गारफील्ड की एक्टिंग की वजह से बल्कि जो हमें स्ट्रगल्स दिखाई गई है ना, मैंने बोला ये वाली मूवी हमारे लिए लेसन भी है रन करने के लिए लाइफ में कैसे फॉरवर्ड बढ़ा जाए, मतलब कैसे मूव ऑन किया जाए। एंड्रू गारफील्ड की एक्टिंग एक दफा फिर से कमाल की, अनबिलीवेबल एक्टिंग। बस यही था सीडी में आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, ये वाले मैंने आप लोगों को रिव्यू अच्छा लगा मुझे आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, मैंने ये वाला रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो।